इस समय विलेज डिफेंस कमेटी जो के मेंबर जो हैं उनको यहाँ पर भारतीय सेना की तरफ से जो है वीडीसी वेपन की ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से राजौरी और पुंछ में लगातार इनकाउंटर का मसला जो है वो देखने में आ रहा है, लगातार मुठभेड़ कई इलाकों में हो रही है, तो उसको देखते हुए वीडीसी को एक बार दोबारा से यहाँ पर सक्रिय करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। यहाँ पर वीडीसी के मेंबर्स हमारे साथ खड़े हैं जिसे विलेज डिफेंस कमेटी कहा जाता है। ये सीमा के उस इलाके में है जहाँ से बिल्कुल पाकिस्तान का इलाका साफ आप आंखों से अपने देख सकते हैं। मेरे साथ कुछ मेंबर खड़े हैं, आपको दोबारा से एक ट्रेनिंग दी जा रही है क्योंकि एक अरसे के बाद वीडीसी को दोबारा सक्रिय करने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है और क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्या मानते हैं आप? सर ये मेरी समझ में तो ऐसे है कि जैसे पाकिस्तान की हरकतें तेज हो जाती हैं तो आर्मी वाले हमें भी उसी तरह ये ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं कि आप होशियार रहो, कोई भी अगर अपनी उनकी मिलिट्रेंसी की कोई भी एक्टिविटी है और उसको तुरंत हमें इन्फॉर्म करो। सर हम सीमा के ऊपर बिल्कुल चुकन्ने रहते हैं, फौज जैसे फौज रहती है उसी तरह चुकन्ने रहते हैं, जब भी हमें हुक्म मिलता है ऑर्डर मिलता है फौज की तरफ से तो हम तुरंत वहां पहुंचते हैं, कोई भी हरकत है तो तुरंत हम फौज को बताते हैं भाई फलानी जगह हरकत हुई है, ऐसी बात नहीं है। सरकार की तरफ से आपको कुछ दिया जाता है? कुछ नहीं सर, यही मैं बात करना चाहता हूँ कि मैं 1990 से चल रहा हूँ फौज के साथ, तो आज मत के मेरी उम्र भी लगभग 50 से ऊपर हो गई है, तो आज दिन तक फौज की तरफ से तो जो हमें हेल्प तो होती है लेकिन सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं हुई। नरेंद्र कुमार, नरेंद्र जी मुझे बताओ कि वीडीसी की ट्रेनिंग किस तरह से दी जाती है, सेना की तरफ से क्या है? सर वीडीसी की ट्रेनिंग दी है सबसे पहले अपने गांव की रक्षा करनी, जो कोई मिलिटेंसी आ गया कोई कुछ सामने आ गया तब पहले फौज को तला देना हमारे को, फिर हम फौज को बताएंगे, फौज बोलेगी हमारे साथ चलो, जहाँ हमारे को फौज लेकर जाके जैसा हमारे को डोट होगा वहाँ मिलिटेंसी है वहाँ जाएगी फौज, जाकर उसको घेरा डालेगी, जहाँ मिलिटेंस होगा उसको मारेगी। LC पर रहने वाले हम बॉर्डर वाले, तो बाकी फौज के साथ हम फौज जहाँ मर्जी बुलाए हमारे को हम जाने के लिए तैयार है। इसमें यह कहूँगा कि हमें ट्रेनिंग जरूर करनी है क्योंकि हथियार किस्म किस्म के हैं, उनकी जानकारी लेनी है, ठीक है, वो बाकी कौन सा हथियार किस टाइम बरतना है, कौन सा हथियार किस टाइम बरतना है, कैसे उम्बो चलाना है, वो कंट्रोल करना है, उम्बो स्मोके की क्या होती है, ऐसी जानकारी पूरी ली जाती है। बिल्कुल, तो इनको सेना की तरफ से तमाम तरह की जानकारी जो है वो दी जाती है, किस तरह से वेपन को साफ करना है, किस तरह से वेपन को चलाना है और किस तरह से निशाना जो है वो स्टिक लगाना है, इस तरह की इनको पूरी तैयारी जो है यहाँ पर सेना की तरफ से भारतीय सेना की तरफ से करवाई जा रही है। मैं आपको बता दूँ कि लगातार जिस तरह से सीमावर्ती इलाके राजौरी और पूंछ में लगातार ऑपरेशन यहाँ पर चल रहे हैं, कई आतंकियों के साथ साथ में सुरक्षा बलों की तरफ से मुठभेड़ यहाँ पर की जा रही है, उसको देखते हुए VDC को एक बार फिर राजौरी और पूंछ में जो है दोबारा खड़े करने की तैयारी जो है भारतीय सेना भी कर रही है। राजौरी के लाम इलाके से मैं अमित शर्मा।